हेलो एवरीवन, वेलकम टू भारतीस फूड। तो आज की ये जो रेसिपी है वो है मुंबई स्पेशल वड़ा पाव। अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आप बहुत ज़्यादा वड़ा पाव को मिस कर रहे होंगे, तो चलिए आज हम घर पर ही वड़ा पाव बनाना सीखते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, धनिया, खाने वाला सोडा, राई, करी पत्ता, हल्दी पाउडर, नमक, हींग, तेल और बॉईल करके स्मैश किया हुआ आलू। तो सबसे पहले हम लेंगे 4 छोटी चम्मच तेल, यानी कि 4 टीस्पून। गैस को हमें लो फ्लेम पर ही रखना है। 1 चम्मच राई, आप चाहो तो आधा चम्मच राई भी ले सकते हो। 3 से 4 करी पत्ता, ये थोड़े बड़े साइज के हैं इसलिए इसे मैं तोड़कर इसमें ऐड कर रही हूँ। 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट करीबन 1.5 चम्मच ऐड कर रही हूँ। ये टोटली आप पर डिपेंड है, आप जितना तीखा वड़ा पाव बनाना चाहते हो उसके हिसाब से आप इसमें हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देना। लो फ्लेम पर रखते हुए भी अगर आपको कहीं पर ये लगता है कि ये थोड़ा सा जलने वाला है अभी, तो आप थोड़ी देर के लिए गैस बंद कर देना या फिर आप इसे थोड़ी देर के लिए गैस से उतार लेना। हींग करीबन 2 चुटकी, 1 से 2 चुटकी ऐड करना, उससे ज़्यादा ऐड नहीं करना है। आलू, ये 350 ग्राम आलू है जिसे मैंने बॉईल कर इसे अच्छे से स्मैश कर लिया है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और ऊपर से थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। जब तक कि ये अच्छे से मिक्स नहीं होता है हमें इसी तरह से इसे चलाते रहना है और अच्छे से मिक्स कर देना है। ये अब रेडी हो चुका है, इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। तो ये थोड़ी देर के बाद अच्छे से ठंडा हो चुका है थोड़ा, तो अब हम इसके वड़े बना लेंगे। वड़े आप अपने मर्जी से, आप जैसा भी चाहते हो, छोटे बड़े आप अपने अकॉर्डिंग इसे बना सकते हो। आप चाहो तो इस तरह से गोल वड़े भी बना सकते हो। अगर गोल वड़े आपको पसंद नहीं है तो आप इस तरह से थोड़ा सा फ्लैट वड़ा भी बना सकते हो। इस तरह से बस आपको इसे थोड़ा फ्लैट कर देना है। तो आज मैं ये फ्लैट वड़े ही बना रही हूँ। तो अब बिल्कुल इसी तरह से मैं बाकी के ये सारे वड़े बना लूंगी। ये सारे वड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम बेसन का बैटर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया है। बेसन को छान कर ही लेना। छान कर लेने से ये बेसन में ज़्यादा लम्स नहीं होते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, बस इतना सा ही लेना है आपको। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है नमक को। इसमें ऐड करूँगी 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा, मीठा सोडा भी बोला जाता है इसको। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए ये बैटर हम रेडी कर लेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो या फिर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू एंड डिलीशियस रेसिपी। बेल आइकन को प्रेस करने से जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। सो इसे मैंने थोड़ी देर के लिए स्पून से जो है अच्छे से मिक्स कर दिया था। इसमें थोड़े से लम्स है जो कि स्पून से नहीं जाएंगे, तो इसलिए मैं हाथों का यूज़ कर रही हूँ। ये बैटर अब पूरी तरह से लम्स फ्री हो चुका है। तो अब इसकी मैं कंसिस्टेंसी आपको दिखा देती हूँ कि कितना थिक होना चाहिए ये। तो ये देखिए, इस तरह से इतना थिक होना चाहिए ताकि जब हम ये वड़े इसमें डिप करेंगे तो वड़ों पर थोड़ा सा ये बैटर होना चाहिए। तो इस तरह से एक वड़ा हम ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से इस बैटर में डिप कर लेंगे। और ये बस रेडी हो चुका है फ्राई होने के लिए। तो यहाँ पर मैंने तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा बैटर डालकर हम चेक कर लेंगे इसे। ये देखिए, इस तरह से ये फटाक से जो है ऊपर आ चुका है। इसका मतलब तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। ये वड़े हम फ्राई करने के लिए तेल में छोड़ देंगे।
तो करीबन ये 30 से 40 सेकेंड के बाद हम इसे एक बार पलट देंगे इस तरह से, और इसे अच्छे से हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है पलटते हुए। तो ये बड़े अच्छे से फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं, तो इसे मैं निकाल लूंगी। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये बड़े, बिल्कुल वैसे जैसे आप बाहर से खाते हो। तो अब बाकी के बचे हुए बड़े भी मैं इसमें फ्राई कर लूंगी। तो ये सारे बड़े बनकर रेडी हो चुके हैं, यानी कि हमारा वड़ा पाव जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। मैंने हरी मिर्च भी जो है तल ली है, और उसी के साथ ये जो चूरा बचता है इसमें से, जो कि सबको बहुत पसंद आता है, वो भी मैंने साइड में रखा है, और वड़ा पाव की चटनी भी रखी है। तो आप इस तरह से बनाकर वड़ा पाव घर में खा सकते हो और इंजॉय कर सकते हो। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।